प्रदेश सरकार द्वारा SCA वर्ग लागू करने से अनुसूचित जाति वर्ग A के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विशेष अवसर मिलेगा, जिससे वे उच्च पदों पर भर्ती होकर समाज व प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। यह बात एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए SCA वर्ग के जिला प्रधान रणधीर सिंह निनानिया ने कही तथा प्रदेश सरकार का समाज की तरफ से आभार जताया। रणधीर सिंह, साधुराम एवं सुधीर एडवोकेट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद रैली के दौरान SCA वर्ग बहाल करने की जो घोषणा की थी उसे पूरा करके अनुसूचित जाति वर्ग A के लोगों का मन मोह लिया है। SCA वर्ग के प्रदेश महासचिव अजीत बड़ेसरा ने बताया कि जिस प्रकार से लगातार 14 वर्षों से SCA वर्ग को बहाल करने के लिए 42 जातियों के लोग धरनों व प्रदर्शनों के माध्यम से जो संघर्ष कर रहे थे वह वर्तमान सरकार ने आधा अधिकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस वर्गीकरण को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की और साथ ही साथ SCA वर्ग के सभी विधायकों, मंत्रियों व सांसदों का आभार जताया। उन्होंने पूर्व मंत्री गीता भुक्कल द्वारा विरोध करने पर कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने बताया कि SCA ब्लॉक के लोगों द्वारा रैली का आयोजन करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सम्मानित करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को SCA ब्लॉक के मासी होने के नाते सबको नमस्कार। और मैं आज 8/3/2020 को माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिन्होंने वर्ष 2006 से लागू जो हमारा संघर्ष था, 14 वर्षों से लगातार हम SC और SCB की मांग करते आए हैं, उसके विषय में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि लाखों बच्चों के जो भविष्य का सवाल था, जो नौकरियों से वंचित रह रहे थे, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने लगातार गठबंधन सरकार ने संघर्ष करके इसको विधानसभा में प्रस्ताव पास किया और नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए हम गठबंधन सरकार के आभारी हैं और सभी 42 जातियाँ तनबंधन से सरकार के साथ हैं और आने वाले समय में हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको शिक्षा में तो लागू कर दिया, इसकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और साथ ही हम गठबंधन सरकार से मांग करते हैं कि इसको नौकरियों में भी जल्द से लागू करें ताकि ये सरकार स्थायी सरकार रहे। और हम इस वक्त से प्रार्थना करेंगे कि सरकार कभी ना हिले और ऐसे ही गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम करें, उनका पेट भरने का काम करें। ये सरकार दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिया था कि हम सत्ता में आए तो SCA और SCB को लागू करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आधा आरक्षण लागू किया है। हम सरकार से सभी 42 जातियों के लोग पुनर्जोर से मांग करते हैं कि इसको नौकरियों में भी लागू करने का काम करें ताकि लाखों बच्चों का भविष्य सुधर सके और आरक्षण से वंचित अति पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और आरक्षण का समान बंटवारा हो सके। इस प्रकार से श्रीमती गीता भुक्कल जी ने इसका विरोध किया है, हम उसका पुतला दहनने का काम करेंगे और उसका विरोध करते हैं कि आज वो जगह जगह ये कहते घूम रहे हैं कि भाईचारा खराब हो गया है। हमारा उन साथियों के साथ कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा वहाँ होता है, प्यार प्रेम वहाँ होता है कि जो एक भाई दूसरे भाई का मान सम्मान करे और उसको हक देने का काम करे। जो बड़ा भाई छोटे भाई का हक खा जाता है तो किस प्रकार का भाईचारा है। इसलिए हम भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और गीता भुक्कल का विरोध करते हैं क्योंकि इन्हीं की सह के ऊपर ये 9 जुलाई वर्ष 2006 में इसको तोड़ा गया था और आज गठबंधन सरकार ने इसको लागू किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सह के ऊपर गीता भुक्कल जो अनर्गल बयान दे रही है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उसका खामियाजा आने वाले विधानसभा में गीता भुक्कल को और कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की है, जो आर्टिकल 16(4) था उसमें सब आर्टिकल्स बनाए हैं, आर्टिकल 16(4)A और आर्टिकल 16(4)B, जो जिसको सरकार को एम्पावरमेंट कर दिया भी जो भी डाउन ट्रोडन जितने भी कास्ट्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप अपना अलग से कानून बना सकते हैं।
और उसी कानून को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी एवं हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने इसको लागू करवाकर विधानसभा में पारित करवाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। हजारों बच्चों को एडमिशन में दाखिला मिलेगा। हमने किसी का हक नहीं छीना, हमने सिर्फ अपना हक लिया है। वो भी हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं। शुरू से लेकर जब से आरक्षण टूटा था, जब से हमारे बच्चों को अति वंचित जातियों को जो भी जो अति डाउन प्रूडेंट सोसाइटी है उनको अपना हक नहीं मिला था, और ये विधानसभा में पास करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एवं उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने गठबंधन सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ए और बी के ऊपर, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा और सरकार इसमें हमारे साथ है। सरकार ने जो अब रिप्लाई फाइल किया था, अभी डे बाय डे उसकी सुनवाई चल रही, हियरिंग चल रही है, सरकार ने उसके ऊपर एक रिप्लाई फाइल किया है, सरकार ने हमारे फेवर में रिप्लाई दिया, उसको भी लागू करवाने का काम करें। मैं गुजारिश करूँगा गठबंधन सरकार से भाई हमें जो ए बी का जो हमारा जो 2006 में टूटा था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको तोड़ा था, ये बहुत गलत काम किया था, क्योंकि हमारे बच्चे आने लगे थे, हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी जो भी हमारी 36 बिरादरी हैं अपलिफ्ट करने लगी थी, और 2005 के बाद ना के बराबर हमारे बच्चे नौकरी लगे हैं और हमें हमारा हक नहीं मिला है। इसलिए मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको ए बी को भी हमारे नौकरियों में भी एडमिशन्स के साथ साथ नौकरियों में भी इसको लागू कराने का काम करें। सर्वप्रथम तो मैं वर्ग ए की सभी जातियों की तरफ से श्रीमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी व भाई दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा में वर्ग ए और बी का वर्गीकरण किया है, और इससे हमारे समाज के बच्चों को 42 जातियाँ जो अति दलित जातियाँ हैं उनके बच्चों को शिक्षा में दाखला मिलेगा। दाखला मिलेगा तो आगे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह जो भी बनेंगे वो समाज की भलाई का काम। और गीता बुक्कल जी ने इसका विरोध किया है विधानसभा में, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इलेक्शन में डट के उसकी खिलाफत करेंगे और हुड्डा की भी करेंगे, कांग्रेस सरकार की करेंगे। बस तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जहाँ शिक्षा में किया है तो सरकारी नौकरियों में भी जल्दी से जल्दी करने का काम करें ताकि इन जातियों का कल्याण हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.